हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं गाड़ी में हूँ और हम जा रहे हैं देहरादून से पौड़ी मेरे ससुराल। और क्योंकि शुभम को छुट्टियाँ मिल चुकी थी 2-3 दिन की, तो हमने कहा वीकेंड है और दीदी लोग भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, तो मैंने कहा चलते हैं। मैं तो अपना लैपटॉप उठा के जा ही सकती हूँ कहीं ना कहीं। तो ये मेरी सासू माँ के लिए लेकिन एक सरप्राइज है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है वहां जा रहे हैं। उन्हें ये डेफिनेटली पता है कि हमने पौड़ी तो आना है, बट आ जा रहे हैं ये उनके लिए सरप्राइज है। और उनका रिएक्शन मैं जरूर नोट करने वाली हूँ, जरूर रिकॉर्ड करूंगी। और अभी हम रुके हैं 3 धारा में कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सुबह निकल गए थे हम 7 बजे से पहले, और अभी 9:30 शायद अभी हो रहे हैं, तो हम 3 धारा पहुंच चुके हैं, जल्दी पहुंच गए क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिला, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट जल्दी निकलने का। तो अभी जरा फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं वापस पौड़ी के लिए। जेल, तिहाड़ जेल उत्तराखंड की। तो गाइस, हम पौड़ी पहुंच चुके हैं और थोड़ी चढ़ाई कर रहे हैं घर के लिए। शुभम बहुत खुश है। ये हम घर में पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा घर। यहाँ से सुंदर सा व्यू दिखता है, और मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से आवाज चली जाती नीचे। कालू 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 आई। पैसे तो आते। नमस्ते। ठीक हो? हाँ, ठीक है। आराम कर रहे थे? आओ, बिना बताया मतलब जैसे न्याणू पसंद है, बिना बताया क्यों? चीज आपी पर थोड़ा बीमार है इसलिए एक्सप्रेस नहीं किया, बट मुझे खुश हो जाती है। और हमने ना थोड़ा आराम आराम किया, मैं थोड़ा सो गई थी और जस्ट अभी उठी क्योंकि मेरा ऑफिस चालू हो गया है, तो जस्ट लॉग इन किया, थोड़ा काम वाम करेंगे फिर खाना खाएंगे। और मैं तो भी आराम कर नहीं पाऊंगी क्योंकि काम है, बाकी देखते हैं। शुभम सोएंगे, अरिमन सोने की तैयारी में ही है। मत करो यार, खुशी कितनी ज्यादा है शुभम को मेरे वीडियोस में आने की। तो खाना वाना खा के और पूरे डे मोस्टली ऐसे ही स्पेंड होगा क्योंकि काम है, और क्योंकि कल छुट्टी थी आज काम है, तो काम थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा हेक्टिक है, तो पहले काम फिनिश करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ें करेंगे साथ साथ। ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना, और हवा चल रही है बहुत प्यारी, और हमारे यहाँ घर से ना यहाँ पे हिमालय भी दिखता है, पर अभी क्योंकि धुंध है, कोहरा है, तो सब कुछ ढक रखा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये है हमारा घर, ओ ढंग से आ भी नहीं रहा पूरा। मेरा स्क्रीन छोटी पड़ गई है। ये हमारा छोटा सा घर, प्यारा सा घर। ये फूल पौधों का बहुत शौक है सासू माँ को हमारी, तो उन्होंने बहुत फूल और ये सब किए रहते हैं, फूल पौधे, और वहाँ पे मिर्ची भी उगा रखी है, अभी मिर्चे होंगे कुछ टाइम बाद। और ये रहा हमारा, ओए कालू तो इधर ही देख रहा है। कालू को मैं बिस्किट दे रही थी, तो ये इसीलिए मेरे हाथ की तरफ इसीलिए देख रहा है क्योंकि इसे पता है मेरे हाथ में बिस्किट और मैं इसे खिलाऊंगी अभी। चलिए ले, तरसाते नहीं है ना खाने के लिए किसी को। ले, ये कालू है, इसकी शक्ल पे मत जाना, ये दिखता बहुत भयानक है, ये सिर्फ भौंकता है पर ये करता कुछ नहीं है, ना ये काटता है, और शक्ल से बहुत ही खतरनाक लगता ज़रूर है पर उतना ही बुद्धू है। गढ़ वाली भाषा में बोले तो लैंडी है, पर बुद्धू है उतना ही, ये बिल्कुल कुछ नहीं करता है। बे कालू देखो कैसे सुन रहे हैं कालू के नाम से। कालू बेचारे, उसके ना बाल पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं बहुत, और कुछ टाइम पहले ना इसके घाव था यहाँ पे, पता नहीं शायद बाघ ने पकड़ लिया था, इसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत दवाई लगाई इसमें शुभम ने, और खाना वाना भी प्रॉपर दिया, तब जाके बेचारा ठीक हुआ है। और हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कल तो यहाँ पे मतलब यहाँ आने से पहले कल देहरादून में बहुत बारिश हो गई थी, तो वहाँ बहुत ठंडा हो गया था रात को, और यहाँ आते आते सुबह थोड़ी गर्मी थी, रास्ते भर पहुँचे जब हम दिन में भी थोड़ी थी, पर अंदर कमरों में बहुत ठंडा था। अभी तो इतनी अच्छी हवा चल रही है ना कि मतलब मज़ा आ गया, ऊपर से चिड़ियों की चहचाहट, आहा
पहाड़ पे आओ, हवा चले, चिड़ियां आए, उनकी आवाजें सुनो तो अलग ही फील है ये तो। और ये है सुंदर सा नज़ारा हमारे घर से। ये इतना अच्छा आ नहीं रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि वीडियो में वो चीज़ आती नहीं है इतनी अच्छी, पर ये इतना सुंदर नज़ारा है ना। नीचे सारे घर घर हैं, यहाँ पे खेत है, कहीं कहीं पे घर बना रखे हैं, और ये पहाड़ों पे जो घर है, हमारा घर, हमारा गांव कौन सा है वहाँ पे, कौन सा वाला, जो ये फ्रंट पर है, ये वाला, ये है हमारा गांव जिसका नाम है बरसूड़ी। तो यहाँ से हमारा गांव भी दिखता है और वहाँ से पौड़ी भी दिखता है, पूरा पौड़ी दिखता है। तो अभी हमारा ये प्लान है, नॉट अभी बट कल के लिए हमारा ये प्लान है कि हम कल जाएंगे बरसूड़ी और शायद वहीं रुकेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, बट हमने कल वहाँ जाना है। और मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगी कि पौड़ी कैसा दिखता है और वहाँ का घर भी कितना सुंदर है। वहाँ ना पूरा जैसे पुराना घर होता है ना, लकड़ी का, मिट्टी का, पत्थरों का, तो वो घर है वहाँ पे। अभी भी थोड़ा कच्चा हो चुका है बट अभी भी वही घर है वहाँ पे, और मुझे तो वही घर पसंद है पर्सनली। तो ये सीमेंटेड घर तो हर कोई बना रहा है, बट वो घर जो है ना, उनकी तो बात ही कुछ और है। तो फटाफट से ज़रा खाना बना लिया जाए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैंने अपना व्लॉग एंड करना भूल गई थी क्योंकि काम में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ऑफिस के, कि एक तो ऑफिस का काम ही फिर लेट खत्म हुआ और फिर नींद इतनी आ रही थी कि फटाफट सो ही गए काम खत्म करके, और उठ चुके थे, जल्दी उठ चुके थे, 6:30 बजे यहाँ के हिसाब से लेट है, बट 6:30 बजे उठ गए थे और थोड़ी बात बात की। और अभी बन रहा है यहाँ पे खाना, नाश्ता बन रहा है यहाँ पे, और मेरी सासू माँ की सगोड़े से आई है स्ट्रॉबेरीज। ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज हैं, बड़ी हुई थी पर अभी कितनी मिनी सी, कितनी प्यारी सी लग रही है ना। तो अभी खाई नहीं है मैंने। लेट्स टेस्ट। ऑफ कोर्स छोटी है, ढंग से पकी नहीं तो इतनी मीठी नहीं है, बट खट्टी भी नहीं है जिस हिसाब से होती है ना स्ट्रॉबेरीज खट्टी। दिस इज रियली नाइस। हम खाना वाना खा के हो गए थे रेडी, और अभी मैं आई हूँ अपनी ननद के घर, और ये मेरी सासू माँ ने नए इयररिंग्स निकाले गोल्ड के, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये है मेरी ननद के बच्चे, ये है लब्बू, वो है मुन्नू जो शर्मा के भाग गई, और ये है मैं। और लब्बू मुझे दे रही है स्टिकर, ये छोटा से, हाँ, जो हम बचपन में लगाते थे, जो बूमर में निकलता था, वो स्टिकर लगा रही है। निकालने में टाइम लग गया बेदा। तो कितनी खुश हो रही है, शर्मा आ गई। बनी भाग गया ना आधा, उसके पैर आगे आगे दौड़ गए। हम आए हैं मेरे ससुराल वाले गांव में, जो मैंने आपको कल कहा था बरसूड़ी, ये यहाँ से पीछे जाके है हमारा घर। और जो टिन वाला आपको दिख रहा है ना, शायद वो है, मैं पूरा वहाँ जाके भी दिखाऊंगी। और अभी शाम हो चुकी है और बहुत ही इतनी सुंदर, इतनी अच्छी ब्रीज चल रही है ना, और बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है यहाँ का। लोग बहुत सारे नहीं है, कम है, पर बहुत 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 सुंदर है गांव में। मतलब पहाड़ों पे आके, गांव में प्रॉपर आके तो अलग ही एक फील आ जाती है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, सुकून है अपने गांव में आके। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ गाँव, देखो ना माहौल कितना अच्छा है। ये पुराने घर पत्थर और मिट्टी के। गाड़ी कितनी सुंदर सी बाछी है ये। गाड़ी गाड़ी रास्ता है, सरा सा है, कोई चढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। और ये कितना सुंदर लग रहा है, मिट्टी का पूरा, पत्थरों का घर और सनसेट। और ये है हमारा प्यारा सा घर। जो लोग प्लेन चौक बना लेते हैं ना, पत्थर वत्थर हटा के और सीमेंटेड, मुझे उससे सख्त नफरत है। वो चौक कहलाए ही नहीं जा सकते, चौक तो यही होते हैं ओरिजिनल ऑथेंटिक चौक, पत्थरों के, मिट्टी के, और इसमें घास उगी हो बीच बीच में। कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से पौड़ी, ये इतना ज्यादा सुंदर है ना, जो फोन में कैप्चर नहीं हो रहा है, बट सामने इतना अच्छा विजुअल है इसका। ये है एंट्री, ये है कमरा। हाँ पुराना घर है तो बहुत दरार पड़ चुकी है।
ये है अभी जुगाड़ वाला किचन, छोटा सा। वैसे किचन घर के नीचे है, नीचे वाला पार्ट में है किचन, और ये पूरा मिट्टी का घर है, पत्थरों का घर है, ठंडा है ये। यहाँ पे बन रही है हमारी दाल। एक कमरा ये है, छोटे छोटे कॉम्पैक्ट से रहते हैं यहाँ पे कमरे, और पर इसी में फील है, पहाड़ी लोग यहाँ पे ज़्यादा जानते होंगे। और एक कमरा ये भी, क्योंकि लाइट बंद है तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे अंदर से डर लगता है। और ये है छोटा सा हमारा प्यारा सा घर। गांव में आके मैं हो चुकी हूँ थोड़ी सी काली, मतलब धूप में हो जाती हूँ। मुझे आप ये बताइएगा गाइस कि ये है, ये सिर्फ मुझे लगता है यही है एक्चुअल में, क्योंकि जो पहाड़ में बॉन एंड बॉटम होते हैं तो वो गोरे ही रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आके पानी तो सूट करता है बट थोड़ा सा कलर डल हो जाता है। और ऐसा मुझे लगता है कि जो यहीं पे रहते हैं हमेशा से ही, या कहीं भी आते जाते भी है, यहाँ का पानी उन्हें ज़्यादा सूट करता है, वो हमेशा ही उनका कलर बहुत फेयर रहता है और रेड रेड हो जाता है जस्ट चीक्स विंटर्स में या गर्मी में। तो प्लीज़ कमेंट डाउन ऑन दी कमेंट सेक्शन, और मुझे ज़रूर बताना कि इसमें आपके क्या थॉट्स हैं, या ये सही है या गलत है। दोनों की ठीक है, मम्मी का सिर खराब कर दिया अभी तुमने, तो कुछ हो रहा है मुंह पे उंगली मत डाल। पार्लर खोले, हम खाना वाना खा चुके हैं और थोड़ी बातें बातें की, और अब आ रही है बहुत ज़्यादा नींद क्योंकि 12 बज चुके हैं। उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे 12 बज जाएंगे, इतना टाइम हो जाएगा, और सो रहे हैं। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। दूसरा ब्लॉग आएगा, अभी मैं पौड़ी में ही हूँ कम से कम एक हफ्ता, तो जल्द ही आएगा दूसरा ब्लॉग। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।